see the horizon. Hey people, welcome back to my channel. आप सब कैसे हो? I hope you all doing well. तो आज मैं जा रही हूँ शेरनी के पास फिर से, क्योंकि आज जो व्लॉग होने वाला है बहुत ज्यादा खास होने वाला है. और पापा कल को गांव निकलने वाले हैं, तो पापा बोलेगी लूसी को देखना है, तो आज मेरे साथ लूसी भी चलेगी. और लूसी चलते चलते मेरा हार्ट अटैक भी लाएगी रोड में, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स है, उनको देखेगी तो ये बहुत ज्यादा राजा बनती है. तो चलिए देखते हैं आज क्या ही हाल होगा मेरा. और आज पूरा व्लॉग में बने रहना, क्योंकि पूरा व्लॉग खास होने वाला है. आज व्लॉग शॉपिंग का होने वाला है शायद, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ बाद में. तो पूरा व्लॉग में प्लीज बने रहना. जैसे यहाँ आप देख सकते हो, लियो लूसी का पाउडर कम है, खत्म हो गया है, ये लोग नहीं लाए. तो ये जो प्रकाश है, हमेशा सब्बी पाउडर और खाना वगैरह ज्यादा ज्यादा ही लियो को दे देता है, मेरा बेटी को कम देता है. तो मैं ट्विंकल को बुलाई, ट्विंकल थोबड़ा दिखाता हूँ इतना दिन के बाद. और अभी मैं ट्विंकल को दी तो ट्विंकल लगा रहे लूसी को पाउडर. लूसी को देखो कैसे सो रही है, जैसे इसको बहुत ज्यादा हम लोग मारे हैं. लूसू, तो अभी लूसी जाने वाली है मेरे साथ पापा से मिलने. तो आज मेरा हार्ट अटैक होने का रिएक्शन भी कैप्चर करेंगे, तो प्लीज बने रहो. तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ नहाने, और आप तो देखा ही होगा प्रकाश नहा के पूरा खाली टॉवल पहन के बैठा है, और ट्विंकल भी शायद नहा लिया है, और मेरा बाकी है नहाने का. तो अभी जाके फटाफट नहा लेते हैं. और टाइम आप देख सकते हो कितना हो रहा है, 9:15 हो रहा है. तो चलिए मिलते हैं नहाने के बाद. अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, और मैंने बाल धो लिया, क्योंकि थोड़ा सा शिवाजी नगर जाना था शॉपिंग के लिए, तो मैं वहाँ का पूरा वीडियो भी आज बनाने वाली हूँ. तो अभी मैं सिंपल ऐसे ही जाऊंगी, जो कि आउटफिट पहनूंगी ना, वो आके उधर से इधर पहनूंगी. तो अभी जस्ट मैं सिर्फ लूसी को मिलवाने जा रही हूँ पापा से, तो मैं ऐसे ही जा रही हूँ. और यहाँ पे लूसी सो रही है, तो इसको लेके चलेंगे. मैं अभी निकल चुकी हूँ यहाँ से, लूसी को लेके जाऊंगी घर. और मेरा हेयर थोड़ा भी सूखा नहीं है, तो मैं एवरी संडे नहाती हूँ, क्योंकि माइग्रेन है. रोज नहाऊंगी तो पूरा टपक जाऊंगी ऊपर, भगवान के पास डायरेक्ट टिकट हो जाएगा. तो मैं सिर्फ संडे, और अभी तो सावन चल रहा है, मंडे भी नहाना पड़ता है. और अभी जा रही हूँ मैं लूसी को लेके पापा से मिलवाने. तो पापा कॉल करके बोल रहे कि मैं उसके लिए पूरा बिस्किट अभी तैयार करके रखा हूँ, तो आप पूरा बने रहो. और लूसी का और पापा का रिएक्शन कैप्चर करेंगे, उसके बाद शॉपिंग को जाएंगे. ठीक है, थोड़ा सा शॉपिंग भी करना है. तो बहुत दिन के बाद आज व्लॉग में ट्विंकल आया है, उसका काम रहता था, तो आज भी उसका वीक ऑफ नहीं है, तो भी वो वीक ऑफ लिया है. उसका थर्सडे वीक ऑफ रहता है, तो आज वो लिया है वीक ऑफ झगड़ा उगड़ा करके. आज फर्स्ट टाइम शेरनी के पास जा रही हूँ, तो हाथ पैर में पसीना आ रहा है, क्योंकि लूसी जो है बहुत ज्यादा बदमाश है. और मुझे एक ही डर है कि रोड साइड में जो भी डॉग्स है उनको सब भी भोकेगी, वो भी भोकेंगे, वो चुपचाप छोड़ेंगे क्या इसको कि हाँ तू भाई भोक ले, हम कुछ नहीं करेंगे. यहीं से देख लो आप उसका नाटक. हाँ तो आ गई. ए बोन कर रहे रे, इधर देखो आप लूसी को. मैं गाड़ी में जब बैठूंगी वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि लूसी भी बहुत ज्यादा बदमाश है, और उसको पकड़ने में ही मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो भी साइलेंट से नहीं रहेगी. अभी तो ट्विंकल का डर से वो चुपचाप बैठी है, बट जब वो गाड़ी चलाएगा मुझे ही पकड़ना है लूसी को. तो मैं एक ही बार आपको जब पूछ जाऊंगी घर, तभी कैमरा ऑन करूंगी. ठीक है, तो फाइनली आ गई लूसी को लेके पापा को मीट करवाने. तो आप यहाँ देख सकते हो लूसी कितना ज़्यादा खुश है, ऊपर भाग के जा रही है, भाग के आ रही है, और पापा भी यहाँ उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं. और देखो अभी घर को भी भाग जाएगी, कितना स्पीड से जा रही आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा खुश है, ये पूंछ हिला रही है यहाँ पे. लूसी का मम्मी को देखो इधर, लूसी का मम्मी. हाय को बहू बोलो तू. पापा इसको बिस्किट दिए हैं मारी गोल्ड का, और लूसी बहुत ज्यादा खुश है.
ये पापा भी हंस रहे हैं उसको देख के। ने देख लिया होगा लूसी कितना ज्यादा खुश है इधर हमारा घर आके पापा के साथ। तो मैं थोड़ा सा दूध और बन खाई क्योंकि सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो अभी मैं जस्ट मेकअप ले रही हूँ, बहुत ज्यादा पाउडर हो गया है, इसको ठीक से मैं कर लेती हूँ, करके पूरा मेकअप लेके मिलती हूँ। ठीक है, मैं यहीं से निकलूंगी। मैं सोची पहले यहाँ से घर जाके फिर वहां से तैयार होकर निकलती हूँ, फिर अभी यहीं से निकलूंगी मम्मी का कुर्ती पहन के। ऐसे भी मुझे मम्मी का कुर्ती अच्छा लगता है। और किस किस को अपना मम्मी का कुर्ती पहनने के लिए अच्छा लगता है प्लीज कमेंट्स में बताना। ठीक है, लूसी अब जा रही है, तो चली गई लूसी पढ़ाई ला। तो वहां जा रही है वो गाड़ी में बैठ के। मम्मी का कुर्ती ट्राई की तो बहुत ज्यादा लूज होने लगा, पहले तो फिट आता था, अभी थोड़ा सा पतली हो गई हूँ शायद। तो मुझे मम्मी का कुर्ती लूज हुआ, तो अभी मम्मी फिर से स्टिच डाल के दी है, तो मैं अभी जाके फटाफट पहन के फिर आ जाती हूँ। ठीक है, देखिए मम्मी का आउटफिट कैसे लग रही हूँ मैं। तो ऐसे भी मम्मी का आउटफिट मुझे मम्मी का ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आज का आउटफिट यही होने वाला है। कैसे लग रही हूँ मैं आप कमेंट्स में बता दो। तो चलिए मिलते हैं एक बार बस में। तो हे गाइस, मैं रेडी हो गई, अभी निकल रहे हैं। टाइम कम से कम 12:30 या 1:30 कितना हो रहा है पता नहीं, हमेशा लेट, हमेशा की तरह हमेशा लेट। तो ये रहा मेरा आउटफिट। तो मैंने शेरनी का बैग भी ले लिया है क्योंकि मेरा नहीं है, और मैं बहुत दिन हो गया शॉपिंग का ब्लॉग भी नहीं डाली क्योंकि मैंने शॉपिंग ही नहीं किया है। कम से कम 2-3 ईयर्स हो चुका होगा, जो भी खरीदी थी ऑनलाइन में खरीदती थी। तो अभी फर्स्ट टाइम नहीं बोल सकते, मतलब बहुत टाइम के बाद आज शॉपिंग जा रही हूँ, वो भी शेरनी के साथ। तो शेरनी इधर देख जल्दी से, हाँ वो भी रेडी हो गई है। तो चलिए मिलते हैं। मैं भी कब से रेडी हूँ, बस मुझे लिपस्टिक का शेड नहीं मिल रहा था, तो मुझे थोड़ा सा लाइट लिपस्टिक चाहिए था ना इसीलिए। और मैं चप्पल भी नहीं लाई हूँ, पता नहीं क्या पहन के जाऊंगी अभी। कौन सुना पिलाती है? निकल रही हूँ घर से, तो आप इधर देख सकते हो मुझे, और मैं सुबु और प्रकाश और संध्या के साथ जा रही हूँ, और इधर मम्मी खड़ी है। बाय मम्मी। तो बहुत दिनों के बाद आज शॉपिंग को जा रहे हैं हम सभी, तो एक ही बार बस में मिलती हूँ मैं। बहुत दिन के बाद बस में भी जा रही हूँ, नहीं गई थी, कम से कम 2 साल हो गया था। तो आज फिर से बस में सफ़र करेंगे, तो चले मिलते हैं। अभी हम बस स्टैंड आके पहुँच चुके हैं, तो अभी यहाँ बस स्टैंड में हम बैठे हैं। देखो हम तीनों अभी बैठे हैं इधर, बस के लिए वेट कर रहे हैं। देखे चढ़े बस में बैठ गए हैं, जैसे कि आप देखिए। तो शेरनी के साथ बैठी हूँ और सुब्रत प्रकाश लास्ट में बैठे हैं, लास्ट सीट में। तो अभी जा रही हूँ, तो ये प्रयास कर रही है विंडो ओपन करने का, इसको नहीं आ रहा है। तो दीदी दीदी लगा रखी है हमेशा की तरह, कुछ भी नहीं आएगा तो दीदी चाहिए उसको, शायद आवाज़ नहीं आ रहा होगा, तो उधर जाके मिलते हैं। हम ऑलरेडी बस से उतर चुके हैं, तो अभी और एक बस पकड़ना है हमें, बहुत ज़्यादा भीड़ था बस में, तो यहाँ शेर नहीं खड़ी है, तो अभी और एक बस पकड़ना है। तो अभी हम बस स्टैंड में खड़े हैं हम। तो हो गई शॉपिंग यहाँ। तो गाइस इधर होटल नहीं है कौन सा भी, तो सावन चल रहा है, तो नॉर्मली इधर चिकू शेक पी रहे हैं हम दोनों, और इधर शेरनी भी ली हुई है। देखा लो, फोटो कर दे भी सुमिति का। तो गाइस आपको जैसे कि पता है, देखो सुबह में कैसे आई, अभी मैं कैसे हो गई हूँ, ऐसे भी मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मैं कैसे हो गई हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे। और मेरे पास इधर शेरनी है, उसका बिल वगैरह देख रही है, और बहुत बहुत ज़्यादा ही मैं खुश हूँ। और आज पूरा 9000 का मैंने शॉपिंग कर लिया। तो चलिए, क्या क्या शॉपिंग किया और क्या क्या लिया मैं आपको बताऊँगी घर में, तो प्लीज़ पूरे ब्लॉग में बने रहो और पूरा सपोर्ट करो मुझे। आज हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया, और यहाँ मुझे देखो सुब्रत और प्रकाश कितना चिढ़ा रहे हैं दोनों, और हमेशा कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो वही लोग मेरा बैग पकड़ते हैं,
और जो जो चाहिए था सब मिल गया और सब मेरा टाइप्स का ही मिला। बट एक जो मेरा फेवरेट था बट मैं वो कैंसिल कर दी क्योंकि उसने 1% भी डिस्काउंट नहीं दिया। जो भी दिया उसमें GST काट के डिस्काउंट देने बोली मैं, तो सिर्फ 5% का दे रहे थे। तो सिर्फ 3 टॉप और एक पैंट का ही मुझे पड़ गया 10,000। तो चलिए घर जाके मिलते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और सिर भी छोटी सूखा नहीं है, तो मैं वैसे ही नॉर्मल छोटी बना के आ गई थी। तो इसको आप देख सकते हो, इतना अच्छा अच्छा ड्रेस था यार, मन ही नहीं भरा इतना सब खरीदने के बाद भी। मेरा इतना सब 10,000 और चेयर नहीं, एक ड्रेस का कॉस्ट ही 6,000 हो गया। तो बहुत अमीर है, मैं बहुत गरीब हूँ, तो आप लोग जल्दी सपोर्ट करोगे तो घर पे जाके भी अमीर बन जाऊंगी मैं। क्योंकि मम्मी पैसा दी थी और कल सैलरी आएगा मेरा, वो भी मेरा भी कल को सैलरी आ जाएगा। तो सैलरी में अब तो मैंने पूरा उड़ा दिया यार, पूरा 10,000 उड़ा के आ गई। और घर के लिए भी कुछ खरीदी, वो सब मिला के बोलूँ तो यार 12-13,000 हो गया। सिर्फ मेरा ड्रेस का बोलूँ तो 9,990 हो गया। देखो अभी रियल रिसीव बहुत मिस कर रही हूँ मैं रियल रिसीव को। सभी उतर गए हैं, ऑलमोस्ट घर के पास आ गए हैं। जरा गेट ओपन हो गया तो मैं डर गई, तो एक बार घर जाके मिलते हैं। तो गाइस हम लोग घर आ गए और आके खाना भी खा रहे हैं। तो सावन चल रहा है तो इसको हम पोखड़ भातो बोलते हैं, जो कि ओडिशा का फेमस फूड है। तो मेरा भाई भी खा रहा है, वो नॉनवेज खा रहे हैं और वो सुबह खा के वहाँ पे सो गया है, वो बहुत टायर्ड हो गया था इसलिए हम खा रहे हैं। खा के मिलते हैं, घर भी पहुँच गए, शॉपिंग का सब सामान यहाँ पे है, तो खाने के बाद मिलते हैं। तो अभी मैं घर पहुँच गई हूँ। तो घर पहुँचते ही मम्मी गरम गरम का ये जो टोमेटो का चटनी बनाई थी, जो कि हम सावन बना रहे हैं ना, तो नॉनवेज नहीं खा रही हूँ मैं, तो मैं खा रही हूँ। तो ये पानी भात आप कुछ भी बोल सकते हो, बट हमारा ओडिशा में ये फेमस डिश बोलते हैं इसको, जैसे कि सभी स्टेट में फेमस डिश होता है, तो हमारा ओडिशा में ये फेमस डिश है। तो अभी मैं यही खा रही हूँ क्योंकि सावन चल रहा है तो मैं नॉनवेज नहीं खा रही हूँ। तो मैंने क्या क्या लिया है वो सब घर जाके दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैं खाना वाना खा लिया और थोड़ा सा देखो पूरा उलझ गया था बाल पूरा, तो बाल भी बना लिया, तो अभी निकल रही हूँ। ये कितना अच्छा हंस रहा है। तो इसको मैंने अभी से बोल रखा है रक्षाबंधन में, तू मेरे लिए गिफ्ट रेडी कर देना करके। 10,000 देगा बोल रहा है। 40-42 है ना, कौन हो? 32 का बासी है लगा और एयरपोर्ट बासी हो रही है। मैं तो गाइस जस्ट अभी घर आई, तो मेरा शॉपिंग का आइटम सभी यहाँ पे है। तो मैं अभी आपको मेरा रूम जाती हूँ फटाक से और आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या शॉपिंग किया है। और यहाँ मेरा डिजाइन आप देख सकते हो, आपका कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी इसको भी साफ कर लेती हूँ और ये सब क्या क्या खरीदा है मैं सब दिखाऊंगी आपको। तो गाइस मैं आपको बोली थी कि मैं रूम में जाके दिखाती हूँ क्या क्या खरीदी हूँ, तो अभी अनबॉक्सिंग करने का टाइम है। तो गाइस ये रहा कर्टन, पहले मैं घर का सामान से स्टार्ट करूंगी। ये रहा, ये विंडो का है, ये विंडो का स्क्रीन है। और मैंने सोफा कवर भी खरीदा और देखिए आप बॉर्डर, मेरा सोफा जो कलर है वो कलर का है बॉर्डर। और मैंने और भी कर्टन्स खरीदा है, मैंने 2 टाइप्स का खरीदा डिफरेंट कलर का। तो ये रहा डोर का, तो रहा फिर से विंडो का, हाँ ये पूरा कर्टन्स मैंने इतना सारा कर्टन खरीदा है। ऐसे वाला तो 5 लिया है और चला 4 और डोर का 2 और ये पूरा 10 पीसेस है। ये सोफा कवर लिया मैंने और उधर भी ये पूरा 5 पीसेस लिया है और इसका 3 पीसेस शायद इसके अंदर है। हाँ तो ये रहा, तो ये मैं बाहर डालने के लिए नॉर्मल सा मैट लेके आई, क्योंकि मैट था बट जो था वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं इसमें ग्रीन और ब्लू था, मैं रेड उठा के लेके आ गई क्योंकि मुझे रेड अच्छा लगा। और मैं उस दिन मेरा वॉशरूम से जब आई बहुत जोर से गिरी थी क्योंकि वो स्लिप हो रहा था, और ये स्लिप नहीं होगा बोला,
वो बोला नहीं, हमें भी देखे ही लगा कि हाँ स्लिप नहीं होगा, तो ये लेके आई मैं डोरमैट सभी। तो ये एक कलर है और ऐसे वाला मैंने दो सेम कलर लिया है दो बेडरूम के लिए, तो ये हॉल में आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो अभी आया, अभी मेरा ड्रेस दिखाऊंगी। सिर्फ मेरा ड्रेस का ही हो गया 9000। तो मैंने ये न्यू कलेक्शन का वाइड लेग वाला लिया जीन्स, जो इसका रेट है इसका रेट है 4500। तो मैंने बार्गेनिंग करके इसको 4000 में लिया। तो मैंने वाइड लेग का पूरा जीन्स लिया जो कि 4500 बोला, बट मैंने इसको 4000 दिया क्योंकि मेरे पास नहीं था ऐसे वाला। सो मैंने सोचा कि कुछ न्यू डिज़ाइन कलेक्ट कर लूँ मैं, ये लिया और एक भी लिया। तो मैं और एक स्किनी जीन्स ली जो कि हाई वेस्ट का ही, और ये बहुत अच्छा लगा। और मैंने एक टॉप भी खरीदा है ठीक। तो देखो मैं भी चिढ़ गई थी प्रकाश के ऊपर क्योंकि जो भी लाता है ऐसे फेंक देता है। मैं इधर एक कैमरा करूँ या मैं उठा के दिखाऊँ, आप ही बोलिए। तो मैंने ये टॉप लिया, तो कैसा है 400 बोला है टॉप को, एक रुपया भी वो कम नहीं किया, नहीं तो मैं और भी खरीदती, इसलिए मुझे तीन ही टॉप खरीदना पड़ा। ये 400 का है, तो और एक भी टॉप लिया है मैंने। हाँ ये वाला टॉप लिया मैं, हाँ ये फ्रंट है, ये बैक है, ऐसे भी इधर पैंट आ जाएगा क्योंकि ये पूरा ऐसे देख रहे हैं। तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा था ऐसे वाला टॉप, तो मैंने ये भी खरीद लिया एक का। ये मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। ये इसको मुझे शेरनी ने दिखा, ये शेरनी दिखाई मुझे कि दीदी देख जैसे वाला तू बोलती थी वैसा वाला है। तो सब भी टॉप 400 400 400 लिया, एक रुपया भी कम नहीं किया। और मैंने दो पैंट लिया, तो ये पैंट बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जैसा वाला पैंट जैसा वाला टॉप चाहिए था वैसा वाला सब कुछ मिल गया। हाँ तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई हूँ मैं आज, बहुत ज़्यादा मतलब आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। तो अभी चलिए जल्दी इसको सब फोल्ड करके रख देते हैं। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, तो प्लीज़ वेट करना नेक्स्ट ब्लॉग को और बहुत ज़्यादा सपोर्ट दीजिए क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहा है मेरा ब्लॉग्स में, पता नहीं क्यों शॉर्ट्स में अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा है। तो प्लीज़ यार ब्लॉग्स के लिए भी सपोर्ट कर दो और जल्दी 400 होने वाला है, 400 कंप्लीट कर दो ठीक है। और ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और ब्लॉग कैसा रहा वो भी बता देना ठीक है। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बस मिल गया है, हम बस में भी बैठ गए हैं मैं और कायरा इतना प्यारी लग रही है ना, अगर मैं लड़का होता तो वो कायरा को ही मैं लाइन मारती। देखो गाइस कितना क्यूट लग रही है, चलो सिंगा मां की तो प्रेरो मस्त बाकी तो नहीं सिंग करे और सिंगरो ब्लॉग में हम दोनों इतना बात करते हैं, तो वहाँ जाके मिलते हैं।